हरिओम म्यूजिक कंपनी के माध्यम से अभिमन्यु भाई के देखरेख में एक समाजवादी गीत जा रही है। ए हमार भैया, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं, देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, विदेशों से लोगों की आवाज आ रही है। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों की शासन हुई है, 5 वर्षों तक इसको देख करके उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है, लोग कह रहे हैं जन जन का आवाज है का, अरे खुशियां हजार लेके, हाँ खुशियां हजार लेके, अरे अखिलेश आ रहे हैं, खुशियां हजार लेके, अखिलेश आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2022 के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है समाजवादी की सरकार बनेगी और हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, साथ ही साथ प्रत्येक फसल के लिए MSP की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए कहना है, लोग कह रहे हैं क्या, अरे बहुमत से बन रही है सरकार आने वाली, बीजा कह रही है ये बाहर आने वाली, बीजा कह रही है ये अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का, तो हम किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का काम करेंगे। समाजवादी पेंशन के तहत 18,000 हर वर्ष गरीबों, वृद्धों, महिलाओं और BPL धारकों को देने का काम करेंगे। साथ ही साथ पुल, पुलिया, सड़क, खरंजा, नाली बनेगा, विकास होगा उत्तर प्रदेश का, जैसा हमने पीछे किया 2012 से लेकर 17 तक। आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारों से मेरे साथी लोग बड़े सहमत हैं, इसलिए कहना है क्या, बाबू मुलायम सिंह का वरदान मिल रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे उसके 15 दिन में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा, और जो किसान हमारे धरना प्रदर्शन के समय शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। ये हमारे भैया
ए लिए कहना बा और इतने ना ये जोगी बाबा के सारन से जवन किसान मर गई लो ये सारन के द्वारा मौत हो गई ओ किसानन के परिवार के 5-5 लाख रुपया उनके परिवार को दिया जाएगा। इसलिए कहना है मेरे साथी बाबू मुलायम सिंह का वरदान मिल रहा है। चाचा शिवपाल जी का ज्ञान मिल रहा है। चाचा शिवपाल जी का भैया छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए हैं देंगे साथ ही साथ पेंशन देंगे वृद्धा विधवा दिव्यांग को पेंशन दिया जाएगा। आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है ओम प्रकाश राजभर संजय चौहान जयंत चौधरी और चाचा शिवपाल जी के साथ मिलकर के बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो भाजपा सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी शिक्षकों की कर्मचारियों की वह पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। और जो हमारे सम्मानित विद्वान हैं कलाकार हैं साहित्यकार हैं पत्रकार हैं उनको यश भारती के तहत सम्मान दिया जाएगा। तो कहना है क्या अरे बिजली सड़क सुरक्षा चहुओर अब रहेगी। बिजली सड़क सुरक्षा चहुओर अब रहेगी। अखिलेश यादव जी समाजवादियों ने ऐलान किया है कि हमारे जो नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि पकौड़ा तलिए और झूठे भरम फैलाते हैं भाजपा वाले ये नौकरी दिया वो नौकरी दिया कहीं कुछ नहीं किया। अभी आपने देखा बिहार से लेकर के बनारस तक प्रयागराज तक छात्रों को लाठियों से पीटा गया किस तरह से मेरे मित्रों उसमें हमारी बहनें थी बेटियां थी छात्र थे उनके हॉस्टल में जाकर के पुलिस वालों के द्वारा उनका दरवाजा तोड़ा गया और उन्हें पीटा गया बेरहमी से। आज वह छात्र नौजवान जानता है मेरे साथी आप समझिए बेटी बहनों के साथ क्या हुआ। बेटी को 12 बजे रात को जला दिया जाता है और इनके भाजपा का मंत्री का बेटा टेनी का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है 8-9 किसानों की हत्या हो जाती है मर जाते हैं मेरे साथी निर्मम हत्या कर देता है। आज ये कह रहे हैं सत्ता में रहने के लिए आतुर है लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये हमारे भैया नौजवानों के लिए अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो हमारे नौजवान हैं बेरोजगार घूम रहे हैं उनको आईटी क्षेत्र में 22 लाख रोजगार देने का काम हम करेंगे। इसलिए मेरे साथी साहित्यकार पत्रकार वकील डॉक्टर सबका सम्मान होता है होता रहेगा। तो कहना है क्या अरे बिजली सड़क सुरक्षा चहुओर अब रहेगी। बिजली सड़क सुरक्षा चहुओर अब रहेगी। एक बात है अगर भाजपा के खिलाफ योगी मोदी के खिलाफ कुछ बोल देंगे सही बोल देंगे अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करेंगे जो संवैधानिक रूप से है तो आप पर मुकदमा ला दिया जाएगा जेल में कर दिया जाएगा। अरे महाराज बाबा ऐसा कभी हुआ नहीं बाबा के संविधान के साथ मजाक नहीं हुआ ऐसा करने वाला मेरे साथी जनता कभी उसे क्षमा नहीं करती है। इसलिए कहना है डर के कभी ये जनता जुर्म ना सहेगी। डर के कभी ये जनता जुर्म ना सहेगी। Yeah.
धन्यवाद। जय अखिलेश, जय मुलायम, जय समाजवाद।